तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट कमांड के बारे में लोगों में। प्रिंट कमांड का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट की लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मींस डिस्प्ले कर सकते हैं, टू शो द टेक्स्ट। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। और दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दो मैथमेटिकल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और रिजल्ट या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा, जिसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, मैंने यहाँ पर लिखा print, प्रिंट, या फिर इसको आप PR, सिंपली PR भी लिख सकते हैं। मैंने स्पेस प्रेस किया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको ठीक एंटर की के पास में मिलेंगे। और कोई भी सेंटेंस मैंने लिखा जिससे आई लव कंप्यूटर साइंस, तो ये जो सेंटेंस है, ये डिस्प्ले, ये कहाँ पर शो करेगा? ये आपका कमांडर स्क्रीन पर इसका आउटपुट आएगा, बेसिकली ये शो होता है। और अगर यही सेंटेंस आप मेन स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, तो ये कुछ आपको लेबल कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लेबल टाइप किया, स्पेस लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर अपना सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, टर्टल का हेड। ये जो टर्टल का हेड जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ये आपका टेक्स्ट उसी तरफ फ्लो करेगा। तो अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो अभी टर्टल मेरा ऊपर की तरफ देख रहा है, मैंने एंटर प्रेस किया तो जो टेक्स्ट हमारा है वो टर्टल के हेड के डायरेक्शन में डिस्प्ले हुआ। इसको फिक्स आप कर सकते हो। मैंने सब इरेज किया, मैंने CT किया टू क्लियर द कमांड्स, और मैंने RT space 90, अभी टर्टल का जो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पर है, दैट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने लेबल का यूज़ किया, स्पेस लगाया, ब्रैकेट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा, लेट से आई लाइक टू ड्रॉ, तो अब जो टेक्स्ट आप देख रहे हो हमारी स्क्रीन पर बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से प्रिंट का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने PR स्पेस और यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ हमको नहीं करना है, 4 + 4 + 5 + 5, तो यहाँ पर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे इमीडिएटली आंसर डिस्प्ले होगा कमांडर विंडो में। अगर मल्टीप्लाई में करना चाहूँ तो PR स्पेस कोई भी नंबर एस्टेरिक्स, कंप्यूटर में एस्टेरिक्स का मतलब इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैंने कुछ इस तरह का ऑपरेशन किया तो ऑब्वियसली आंसर मेरा अगेन कमांडर विंडो पर आएगा। और अगर आपको डिवाइड करना है तो PR स्पेस कोई भी नंबर स्लैश का आप यूज़ करेंगे, तो मैंने 50/5 लिखा, दैट मीन्स 50/5। अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ पर। प्रिंट कमांड का यूज़ करके मैंने आपको बताया था दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, PR लेट से स्पेस दिस नंबर, इज इट ग्रेटर देन 25 × 3 × 3, तो आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा, और ये भी आपका वहाँ पर डिस्प्ले होगा कमांडर विंडो में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये फॉल्स है, आंसर फॉल्स आएगा। आप किसी भी नंबर को इक्वल टेस्ट भी कर सकते हो, तो PR एनी नंबर इक्वल लेट्स से 25 + 25, इज इट ट्रू और फॉल्स? आई थिंक इट इज़ ट्रू। वंस अगेन, PR 50 < 25, इज इट ट्रू और फॉल्स? आई थिंक इट इज़ फॉल्स। तो इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और सिंपली सेंटेंसेस को आप प्रिंट कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं लोगों में वेरी वेरी इजीली। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा।